नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस के इस नए वीडियो सीरीज जो कि हम हाउसेस यानी के भावों के ऊपर बना रहे हैं, उसके दूसरे हाउस या दूसरे भाव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सेकंड हाउस हमें क्या बताता है, सेकंड हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सेकंड हाउस में अगर प्लैनेट्स आ जाएंगे तो वो क्या प्रभाव देंगे, और ये सब चीजें हम जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में। दोस्तों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस का मोटिव मैं बार बार आपको याद दिलवाता रहता हूं, ताकि ये सिर्फ आपको याद दिलवाने के लिए नहीं है, ये मेरे को भी रिमाइंड करता रहता है कि मैंने जो आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम अपनी इस जो कंबाइंड हमारी यात्रा है, इसमें हमारा प्रयास होगा कि हम ज्योतिष को, ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को, ज्योतिष के बारे में जो कहा जाता है कि ज्योतिष इज ए वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसको प्रयास करेंगे कि हम इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दें, बहुत आसान कर दें, हर आदमी की रीच में इसको पहुंचा दें। सो दोस्तों, इस प्रयास में आप सबका मेरे साथ शामिल होने पर धन्यवाद और स्वागत। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो ऑन सेकंड हाउस या दूसरा भाव। दोस्तों, दूसरा भाव है क्या? दूसरा भाव प्रथम के बाद आता है। दूसरे भाव से अगर हम जानेंगे तो सबसे पहले आप इसका नाम जानिए। दूसरे भाव का नाम क्या है? दूसरे भाव का नाम है कुटुंब हाउस। कुटुंब, कुटुंब क्या होता है? That is a family. Second चीज ये क्या हमें बताता है? ये हमें बताता है मनी के बारे में, पैसे के बारे में, और साथ में ये कारक है स्पीच का भी। अब ये तीन हिंट्स मैंने आपको दे दिए, ये तीनों चीजें आप नोट कर लें। सबसे पहले ये हाउस कौन सा है? ये कुटुंब हाउस है, परिवार का, फैमिली का हाउस है। सेकेंड चीज इससे हम क्या जानेंगे? ये पैसे का कारक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो क्या है? जो हम वाणी का इस्तेमाल करते हैं, स्पीच। ये तीन चीजें तो हैं। अब आप इसका जानिए कि इसके नेचुरल कारक कौन है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस का नेचुरल कारक, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, अब आपको याद भी हो गया होगा कि फर्स्ट हाउस का नेचुरल कारक जैसे सूर्य था, तो सेकंड हाउस का नेचुरल कारक मून है, चंद्रमा है। चंद्रमा इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सेकंड हाउस में मून के कैरेक्टर्स तो आपको मिलेंगे ही। अब आप नोट करें कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, यानी के मालिक, घर का मालिक कौन है? घर का मालिक है वीनस, यानी के शुक्र ग्रह या शुक्राचार्य, जो दानवों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, डेमन्स के गुरु हैं, डेविल्स के गुरु हैं। सो दो चीजें तो हमारे पास आ गई। पहली क्या आ गई? चंद्रमा यानी मून, और दूसरा ट्रायंगल का दूसरा किनारा हमारे पकड़ में आ गया, वो कौन सा है? वीनस। अब ये तो एक नेचुरल घर है जिसमें कोई भी प्लेनेट पॉजिटिव नहीं है। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में कोई प्लेनेट नहीं है तो आप ट्रायंगल को, ट्रायंगल चाहे बना लें मगर ट्रायंगल के सिर्फ दो कॉर्नर्स को ही, क्योंकि दो कॉर्नर्स ही आपको ऊर्जा देने वाले होंगे, एनर्जी देने वाले होंगे। सो ये चीज आप दोनों इन नेचुरल कारक और लॉर्ड को आप नोट कर लें, चंद्रमा और वीनस। अब हम जानेंगे कि ये जो सेकंड हाउस है, इसके जो नेचुरल कारक हैं वो कैसे हैं, नेचुरल चीजें जो इसके साथ आती हैं, जो इसके गुण हैं, जो इसका स्वभाव है सेकंड हाउस का, वो क्या है। दोस्तों, ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जो गुण है वो पृथ्वी है, यानी कि वेरी सॉलिड, स्टेबल। ये बहुत स्टेबल हाउस है क्योंकि पृथ्वी इसका तत्व है, पृथ्वी यानी अर्थ, ये अर्थी हाउस है। अब ये हाउस अगर अर्थ है तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल है तो ये फिक्स्ड साइन है,
आप एक एक करके ये पॉइंट्स को नोट करें, ये फिक्स साइन है। मगर साथ में क्या है, क्योंकि वीनस परिचायक किस चीज का है, वो परिचायक है फीमेल्स का, औरतों का, स्पाउस का, तो इसको हम फीमेल हाउस भी कह सकते हैं। अब इसकी आप डायरेक्शन नोट करें इस हाउस की। दोस्तों इस हाउस की डायरेक्शन साउथ है, यानी कि अब यहां पे छोटा सा एक कनेक्शन भी बनता है। हम हमेशा ये कहते हैं पैसा कमाना हो तो आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, मकान लें दक्षिण दिशा का लें, दुकान लें दक्षिण दिशा की लें, पैसा कहां रखें, दक्षिण दिशा की तरफ रखें। और इसीलिए कहा जाता है कि साउथ इंडिया में जितने टेंपल्स हैं दे आर वेरी वेरी रिच, साउथ इंडियंस हैं दे आर वेरी वेरी रिच। तो वीनस का और पैसे का कहीं ना कहीं कनेक्शन साउथ के साथ है, और इस हाउस की डायरेक्शन भी साउथ ही है। आप देखो नोट करते जाओ, आपको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल होती जाएगी, सिर्फ समझने की जरूरत होगी। आगे हम बात करेंगे, अब इसमें नक्षत्र कौन कौन से आएंगे। इसमें दोस्तों नक्षत्र आएंगे सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के, ये तीनों के, सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के। कहीं ना कहीं अब आप देखिए इन हाउसेस में बोल्डनेस, करेज होगा, थोड़ा सा सुपीरियरिटी भी होगी, क्योंकि सूर्य और मार्स इन चीजों को देते हैं, बिकॉज सन इज द किंग एंड मार्स इज द कमांडर। तो ये एनर्जीज तो उन नक्षत्रों में आएंगी। अब दो जो नेचुरल एनर्जीज हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, वो कौन कौन सी है, एक तरफ चंद्रमा की एनर्जी है और दूसरी तरफ वीनस की एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जीज क्या देती हैं, अब हम ये जानेंगे। दोस्तों ये दोनों एनर्जीज अगर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये आप मान के चले कि जो हाइट होगी, हाइट टॉल तो नहीं होगी, ये मिडल स्टेचर वाले लोग होंगे, इसमें थोड़ा सा फैटी बॉडी होगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा फैटी नहीं, लिटिल बिट, जिसको हम प्लम्पी बॉडी कह सकते हैं। तो ये एक नेचुरल साइन का कैरेक्टर होगा, माथा काफी चौड़ा, काफी चौड़ा माथा होगा, फोरहेड काफी ब्रॉड होगा, नाक इनका खास फीचर होगा, इनका नाक इनका काफी प्रोमिनेंट नोज होगा, चीक्स भी इनकी प्रोमिनेंट होंगी, लिप्स इनके प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा, चंद्रमा देखिए आप जानते हैं चंद्रमा बहुत खूबसूरत था, तो वो खूबसूरती के लक्षण सेकेंड हाउस के जातकों में होंगे ही। गर्दन इनकी थिक होगी, स्ट्रांग होगी। अब ये क्यों है, इसके पीछे भी कारण है, असुर, वीनस, डेमन्स, डेविल्स, क्योंकि स्ट्रांग नेक, तभी ये फाइट कर पाएंगे, ये उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। आगे बात करते हैं कि मून है इस हाउस का नेचुरल कारक, तो कहीं ना कहीं इनका एसोसिएशन एग्रीकल्चर के साथ भी होगा। अब एग्रीकल्चर के साथ है तो एग्रीकल्चर के साथ मिलती जुलती चीजों से इनको पैसा भी मिलता होगा। अब मून और वीनस, ये एनर्जी एक खास चीज प्रदान करती है इस हाउस को, वो क्या है, मून मन है, मून इमोशंस है, इमोशंस में वासना भी आएगी, क्योंकि चंद्रमा का कैरेक्टर लेडीज के साथ है, चंद्रमा की कितनी शादियां हुई, चंद्रमा ने कितनी औरतों के साथ रिलेशंस रखे, ये शास्त्रों से आप पढ़ सकते हो। अब अगर चंद्रमा इस हाउस का नेचुरल कारक है तो वो कनेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में वीनस है, वीनस है ही औरतों का कारक, तो इस हाउस के जातक लेडीज में आसक्ति रखने वाले होंगे। 100% इस चीज को आप नोट कर लें, जब भी
हाउस ये खाली होगा तो आप इस चीज को तुरंत ध्यान में ले आइए, क्योंकि मून और वीनस ट्रायंगल के दो सिरे, इन एनर्जीज को आपने भूलना नहीं है, दे विल बी फॉन्ड ऑफ लेडीज। आगे बात करते हैं कि इनकी आदतें कैसी होंगी। अब आप देखिए चंद्रमा को, अगर आप देखो चंद्रमा, अगर शास्त्रों से पुरानी पौराणिक कथाएं आप उठाकर देखोगे कि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से उसने बहुत सी गलतियां की, बहुत से झगड़े किए, क्योंकि झगड़े और औरतें इनका कनेक्शन हमेशा बनेगा, ये आप शुरू से देखते आ रहे हो। तो चंद्रमा जब गलतियां करता था तो झगड़े होते थे, मगर चंद्रमा में एक खास बात भी थी, वो क्या थी? फॉरगिवनेस। चंद्रमा बहुत जल्दी किसी को माफ कर देता है और आसानी से दोबारा उसके साथ रिलेशन बना सकता है। तो ये कैरेक्टर तो इस घर के जातकों में आएगा ही, हालांकि मून के नक्षत्र भी हैं, मैं नक्षत्र कहना चाह रहा था, मगर एक्चुअल में वी आर टॉकिंग अबाउट द हाउसेज राइट नाउ। तो इस हाउस के जातक कहीं ना कहीं उनमें ये चीज होगी, खूबसूरत तो होंगे, अट्रैक्टिव भी होंगे। अब इनमें ये कौन कौन से काम कर सकते हैं, अब हम इसकी भी बात कर लें। काम ये कौन कौन से कर सकते हैं? पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, दे कैन बी वेरी गुड ऑथर्स। वीनस मेक देम वेरी गुड काउंसलर्स, जर्नलिस्ट, ट्रूथ लवर्स। मगर हमेशा आप चीज एक चीज देखना, जब वीनस है तो ये बिजनेस का एक नेचुरल फ्लेयर भी देता है, क्योंकि वीनस ने लग्जरीज लेनी है। अब लग्जरीज बिना बिजनेस से नहीं आएंगी, और सेकंड हाउस तो है ही पैसे का परिचायक। तो इस नक्षत्र और इस सेकंड हाउस के जो जातक होंगे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पैसे के साथ और बिजनेस के साथ होगा। अब आप एक चीज और, जो हमेशा अच्छी अच्छी बातें भी नहीं करनी चाहिए, जो नेगेटिव चीजें भी हैं, एक अच्छा शिक्षक वही है जो अच्छी बुरी दोनों चीजें बताता है। तो अब आप थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी आप नोट करें। इस सेकंड हाउस के जो जातक होंगे वो कहीं ना कहीं उनमें एक नर्वस एटीट्यूड होगा। वो किस वजह से होगा, अब आप समझिए, चंद्रमा मन का कारक, और मन हमेशा अशांत रहता है, माइंड इज ऑलवेज अनस्टेबल, पहली बात तो ये। अब वीनस को भी अगर जो वेनिशियन एनर्जीज हैं, अगर आप उनको भी अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि वीनस भी हमेशा शक के दायरे में दूसरे को रखता है। लेडीज कभी भी जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती, इस चीज को आप मान लें, समझ लें। तो नर्वस नेचर, ये नेचर इस नक्षत्र के जातकों में, इस हाउस के जातकों में होगी ही होगी, इस चीज को आप ले लें, समझ लें और नोट कर लें। मेमोरी इनकी बहुत अच्छी होगी, मून है, शुक्र है, ये दोनों बहुत अच्छी इमेजिनेशन देते हैं। अगर ये हाउस आपके हॉरोस्कोप में स्ट्रांग है, वो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपको बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी भी दे सकता है, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत अच्छे और टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। ये चीजें शास्त्रों में निहित हैं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, जो बातें शास्त्रों से आती हैं वही बातें मेरी आदत है या मेरी कोशिश होती है वो मैं आपको बताता चलूं। मगर सेक्सुअल प्लेयर्स, सेक्स की बातें करना, सेक्स में आगे जाना, ये इस नक्षत्र का एज इट इज इनका है। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा, जो सेकेंड हाउस, जब मैंने बात करी थी कि ये कुटुंब है, फैमिली है, अब इसको भी थोड़ा सा हम आगे समझ लें, वो क्या है। अब ये तो आप समझ गए कि बच्चे ने जन्म ले लिया, अब बच्चा परिवार में आ गया,
अब परिवार में होगा क्या, इस चीज को आप अपने तरीके से, जैसे हम नॉर्मल घरों में इन चीजों को एनालाइज करते हैं, आप वैसे एनालाइज करिए क्या होता है। हम बच्चे को फैमिली में संस्कार देते हैं, तो संस्कार भी उस बच्चे के कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से ही मिलेंगे। अगर सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं, आप लेके चलिए जहां तक अच्छे संस्कार वाला होगा। अगर कहीं पे मैलेफिक प्लैनेट्स वहां पे प्रेजेंट हुए या कहीं से उनके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स आती हुई होंगी, तो आप लेके चलना कि वो संस्कारों में गड़बड़ करेंगी ही। तो किसी भी जातक के संस्कार अगर देखने हैं तो आपको सेकंड हाउस को अच्छे ढंग से एनालाइज करना होगा। आगे बात करते हैं, अब संस्कारों में क्या क्या चीजें आती हैं, आप इस चीज को भी समझ लें। पढ़ाई लिखाई तो आएगी ही, फैमिली का एफ्लुएंस का सिस्टम भी आएगा। एफ्लुएंस से मेरा मतलब है कि घर में क्या क्या चीजें सुख सुविधाओं की हैं, उसके हिसाब से। अब एक घर है जो एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस घर के जातक संस्कारों में एक थोड़ी सी मजबूती लेकर पैदा होंगे या लाइफ में आगे जाएंगे। इसी तरीके से कुछ घर के संस्कारों में रिलीजियस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, मंदिर जाना, बड़ों का सत्कार करना, आदर करना, जिसको हम जुपिटेरियन एनर्जीज कहते हैं, तो वो भी आएंगी। तो ये जो संस्कार हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जिसमें रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, एजुकेशन, मनी, स्टेटस, ये सारी चीजों का मिश्रण जो है वो सेकंड हाउस है। अब फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस, छोटी सी बात यहां पे ये भी कर लें, सेकंड हाउस को नेगेटिव स्थान भी माना जाता है। वो क्यों माना जाता है कि फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस 12th हाउस है, ये उसका हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर है। जो भी फर्स्ट हाउस में बच्चे की आत्मा जो साथ में लेकर आई, सेकंड हाउस में उसका एक्सपेंड हो जाएगा, उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये हाउस कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का व्यय हाउस है, आप इसको ऐसे भी ले लें। यानी कि जो फर्स्ट हाउस में हम एनर्जीज लेते हैं, सेकंड हाउस में हमारे पास पैसा आ गया, सेकंड हाउस में हमारे पास फैमिली आ गई, फर्स्ट हाउस के जो नेचुरल कैरेक्टर्स थे फैमिली में आके वो डिवाइड हो गए, वो चीजें स्प्लिट हो गई, कम हो गई। ये भी चीज सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। हम सेकंड हाउस से एक नेचुरल बिजनेस भी देखते हैं, सेकंड हाउस से हम पैसा भी देखते हैं, सेकंड हाउस से हम स्पीच भी देखते हैं। अब यहां पे हम एफ्लिक्शंस को भी देखना है दोस्तों, अकेला ये नहीं है कि आप अच्छी अच्छी चीजों को ही देखो, एफ्लिक्शंस को भी देखो कि कहीं युति खराब तो नहीं हो रही, दो प्लैनेट्स तो नहीं बैठ के जिसमें राहु केतु का संसर्ग हो गया, कहीं पे सूर्य या चंद्रमा प्रेजेंट है, उनके साथ राहु शनि केतु आ गए, ग्रहण बन गया, तो ये एफ्लिक्शंस भी हैं, या उनके ऊपर ऑस्पेक्ट आ गई। अब घर को एनालाइज करना है, कल भी मैंने आपको इस चीज को समझाया था कि अकेला घर देखकर प्रेडिक्ट करने की गलती, जल्दबाजी कभी मत करना, सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखकर फिर हाउस को एनालाइज करना। सो ये तो थी सिर्फ एक नेचुरल सेकंड हाउस क्या है। अब नेचुरल सेकंड हाउस आप समझ गए, अब हम धीरे धीरे ये बात करेंगे कि अगर इन हाउसेस में प्लैनेट्स होंगे तो वो प्लैनेट्स क्या करेंगे। आपको आसानी से, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो आप अब इतने तो सक्षम हो गए होंगे कि इन चीजों को कैसे डिकोड करना है आप समझ गए होंगे। अब नेचुरल कारक मून, हाउस लॉर्ड वीनस, अगर इनके साथ सूर्य आके प्रेजेंट हो गया तो क्या होगा, अब आप लेके चलें। मून, वीनस और सूर्य, ये आपको बहुत बोल्डली काम करने की प्रवृत्ति दे देगा।
आपको कहीं ना कहीं पैसे में किंग बना देगा, क्योंकि सन इज द किंग। मगर सन की एक बुरी बात भी है, वो क्या है, सन जहां पे अच्छा है, सन एक क्रूअल प्लेनेट है। देखिए अच्छा कितना है, क्योंकि सन रेज हर बुरी चीज को जलाने में सक्षम है। ये तो हो गई उसकी अच्छाई, अब बुराई क्या है। अगर वो हर बुरी चीज को जलाने में सक्षम है, तो अगर कोई अच्छी चीज भी उसके पास आएगी तो वो भी जल जाएगी। इसी वजह से सूर्य को बुरा प्लेनेट नहीं बोला जाता दोस्तों, सूर्य को बोला जाता है क्रूर, क्रूअल प्लेनेट। ये है। तो अगर हालांकि चंद्रमा और वीनस से मिलकर ज्यादा पॉजिटिव बातें तो नहीं निकलने वाली, और अगर सूर्य वहां पे प्रेजेंट हो गया तो ये हाउस कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आपको दे पाएगा। इस चीज को आप समझ लें। आगे बात करेंगे हम चंद्रमा की। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में आ गया तो क्या होगा। अब आप देखिए ट्रायंगल आप दोबारा से बनाइए। एक तरफ चंद्रमा जो नेचुरल कारक है, दूसरी तरफ वीनस जो इसका हाउस लॉर्ड है। अब उसमें इस घर में किराएदार रहने वाला कौन आ गया, वो आ गया चंद्रमा। चंद्रमा जैसे घर की इच्छा रखने वाले जिसमें जो इनर एनर्जीज हैं वो तो चंद्रमा की है, ठीक है। मकान मालिक वीनस है, अब चंद्रमा ही उसमें रहने आ गया, तो चंद्रमा की चीजें उसमें बलवान हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, क्योंकि दो चंद्रमा हो गए, एक वीनस हो गया। जो जो चीजें मैंने पहले आपको कारक बताए, सेक्सुअल टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी, लेडीज के साथ रिलेशन बढ़ जाएंगे, खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर के साथ बिजनेस बढ़ जाएगा, आप प्रिंटिंग में काम में जा सकोगे, ये चीजें सब आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इनसे पैसे की भी गेम हो जाएगी। मगर दो चंद्रमा हो जाएंगे आप लेके चलना, आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आप बहुत इंपल्सिव हो जाएंगे। तो दोस्तों कितना आसान हो जाता है जब हम इस तरह एनालाइज करते हैं हाउसेस को। चलो अब अगला प्लेनेट ले लें। अगला प्लेनेट कौन सा लेंगे हम, अगला प्लेनेट ले लेते हैं हम जुपिटर को। हालांकि इस हाउस में जो सेकंड हाउस है इसमें थोड़े से जुपिटेरियन कैरेक्टर्स भी होते हैं, मगर अब जुपिटर यानी के गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह अब इस घर में किराए पे रहने ही आ गए, तो अब क्या होगा। जुपिटर की एक नेचुरल चीज है, आप कभी मत भूलना, वो क्या है कि जुपिटर जहां भी जाएगा दोस्तों उस घर को एक्सपेंड करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहांस करेगा। तो पहली बात तो जो जो चीजें वीनस और मून के कंबिनेशन से होंगी वो चीजें जुपिटर एनहांस करेगा, और उन्हीं से लीड लेकर, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का कारक है, अब जुपिटर वहां बैठकर, जुपिटर तो पहले ही फुल ऑफ विजडम गुरु है, तो अगर जुपिटर सेकंड हाउस में आ गया तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया एक अच्छे स्पिरिचुअल गुरु का। बट मैंने बट बहुत ऊंची बोला है, बट विद इनर एनर्जीज ऑफ मून एंड वीनस। अब यहां पे अब आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से रिलीजियस गुरु हैं जो अब जेलों में बैठे हैं, अब आप लेके चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें उस तरफ आपको ले जाएगी, बिजनेसमैन भी बना देंगी, आप स्पिरिचुअलिटी को मुंह से बोल के बेचोगे, आपको काउंसलर तो बना रही हैं क्योंकि गुरु हैं, गुरु और वीनस का कॉम्बिनेशन आपको एक टॉप मोस्ट काउंसलर, एक टॉप मोस्ट गुरु, टॉप मोस्ट लेक्चर देने वाला आपको बना देगा। मगर आपकी बिजनेस टेंडेंसीज, आपकी वेनिशियन टेंडेंसीज, आपकी पैसा बनाने की प्रवृत्ति, वो आपको कहां लेकर जाएगी,
ये इसका अंदाजा अब आप स्वयं ही लगा सकते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं बुध की। बुध की अगर हम बात करें तो अब सेकंड हाउस में बुध देवता किराए पे रहने आ गए। अब बुध कौन है? बुध यानी मरकरी, ये चंद्रमा के बेटे हैं, इल्लेजिटिमेट चाइल्ड हैं, गलत रिलेशन से जन्मे हुए बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे का अपने फादर के प्रति स्नेह तो होगा नहीं। मून और वीनस पहले ही आपको इल्लेजिटिमेट रिलेशंस देने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसे घर में अगर ऐसा किराएदार आ जाएगा तो आप लेकर चलिए कि ये एनर्जीज का आपस में क्लैश शुरू हो जाएगा। अब क्लैश होगा तो अच्छा रिजल्ट तो आने से रहा। तो मरकरी इस घर में बैठकर, क्योंकि मरकरी एक नेचुरल ट्रेडर है, मरकरी एक नेचुरल बिजनेसमैन है, तो अब आप देखेंगे यहां पे अगर मरकरी प्रेजेंट होगा तो वो हर तरीके से हर साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके अपने हित को सर्वोपरि रखकर पैसा बनाएगा। देखिए कितना आसान हो जाता है जब हम एनर्जीज को समझ लें। जब एनर्जीज को समझ लेते हैं तो किसी भी हाउस को उसकी मिस्ट्रीज को डेसिफर करना मुश्किल नहीं होता। आगे बात कर लें शुक्र देवता की, वीनस की। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब चंद्र देवता आए थे तो दो चंद्र की एनर्जी स्ट्रांग हो गई थी। तो अगर एक्चुअल में वीनस शुक्राचार्य इस घर में रहने आ जाएंगे तो क्या होगा? बहुत आसान है दोस्तों, मून वीनस थर्ड अगेन वीनस, तो शुक्राचार्य तो बलवती हो गए, स्ट्रांग हो गए। अब वो क्या करेंगे? ऐसा व्यक्ति लेडीज के संसर्ग में ही पाया जाएगा। नेगेटिव काम करने वाला होगा, रेगुलर सेक्सुअल रिलेशंस बनाने वाला होगा, बिजनेसमैन भी होगा, लेडीज से ही बिजनेस करने वाला होगा, लेडीज से पैसा बनाने वाला होगा। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति वेश्यावृत्ति तक और उनके द्वारा पैसे कमाने तक भी पहुंच जाते हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों नहीं है। हाँ, इसमें अगर कहीं से अच्छी ऑस्पेक्ट मिल जाए तो कैरेक्टर्स थोड़े बदल सकते हैं, और अगर कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ जाए इस हाउस के ऊपर तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन इम्पैक्ट्स को और एनहांस कर देंगे। अब हम बात करते हैं शनि देवता यानी कि सहजन की। अगर शनि देवता इस घर में रहने आ गए तो दोस्तों क्या होगा? अब आप ट्रायंगल द्वारा बनाएं, मून वीनस एंड सहजन। अब मून और शनि ये दोनों दोस्तों जब भी इकट्ठे होंगे दोनों नेगेटिव हैं। वीनस इटसेल्फ नेगेटिव है, वीनस और तरीके से नेगेटिव है। ये दोनों जब भी मिल जाएंगे, मन और शनि, शनि भी कहीं ना कहीं आइसोलेशन का कारक है, तो इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। ये हाउस स्पीच का हाउस है। अगर शनि देवता यहां आ गए तो मैलेफिक हो जाएंगे, उनकी वाणी बहुत कड़वी बहुत बुरी। जो भी समाज में आपको गालियां निकालने वाले लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं शनि का उनके सेकंड हाउस से आपको कनेक्शन मिलेगा। सेकंड हाउस में शनि कभी भी अच्छी चीजें नहीं देते। अब यहां पे मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहूंगा, एग्जांपल, वो है महात्मा गांधी की। आप कुंडली उठाइए, महात्मा गांधी की कुंडली में आपको शनि सेकंड हाउस में मिलेगा। अब आप देखिए, क्या महात्मा गांधी वाणी से बुरे कार्य करते थे? वाणी से बुरे कार्य क्या हो सकते हैं? झूठ बोलना, गलत बातें बोलना, क्या वो ऐसी बातें करते थे? दोस्तों महात्मा गांधी का तो सबसे पहली बात ही क्या थी? वो सत्य के पुजारी थे, सच के ऊपर टिके रहने वाले इंसान थे। तो ये अब कैसे हो गया वो मैं बताता हूं। वो कैसे हुआ? उन्होंने सबसे पहले क्या किया?
उन्होंने अपने मन को काबू में किया। मन यानी के मून, अब इस ट्रायंगल की एक एनर्जी उन्होंने पकड़ ली, उस एनर्जी को उन्होंने अपनी मुट्ठी में किया, अपने कंट्रोल में किया। जब मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद में उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैंने जीवन में झूठ नहीं बोलना। अब बताइए, प्रण ले लिया तो वो नेगेटिव एनर्जीज उन्होंने काबू कर ली। तो अब बची दो एनर्जीज, कौन कौन सी? शनि की और शुक्र की। अब ये दोनों तो आपस में मित्र हैं, शनि और शुक्र मित्र हैं, तो ये ही हाउस अब उनको फेवर में जाने। अब शनि एक नेचुरल बढ़िया चीज देता है, वो क्या है? फास्टिंग। अब आप देखिए, गांधी जी ने जब भी जीवन में उनके ऊपर विपत्ति आई, जब भी स्ट्रगल्स में ट्रबल्स में वो घिरे, उनका एक ही हथियार होता था, वो क्या था? सत्याग्रह, अनशन। सच के ऊपर रखकर उन्होंने अनशन पर बैठ जाना है। और अब आप देखोगे कि इस हाउस ने कहां तक उनको चीजें दी। पूरी दुनिया में दोस्तों कोई भी इंसान एक देश का राजा बन सकता है, मगर महात्मा गांधी इज द ओनली पर्सन हु वाज अकॉर्डेड द रिस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग फादर ऑफ नेशन ऑफ टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। अब आप देखिए, वो ही जो कॉम्बिनेशन दूसरों के लिए बुरी थी, गांधी जी के लिए अच्छी हो गई बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये भी दोस्तों एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी को समझने का। तो अब कौन से प्लैनेट रह गए? अब दोस्तों प्लैनेट दो रह गए, राहु एंड केतु। ये तो दोनों छाया ग्रह हैं, प्लैनेट्स तो है नहीं, दोनों एक दूसरे की पूरक एनर्जीज हैं। राहु केतु एक्सिस, अगर राहु यहां पे प्रेजेंट है तो केतु इसके ऑपोजिट सेवंथ हाउस यानी कि एट्थ हाउस में होगा। तो अगर राहु यहां रहकर मून और वीनस की नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं केतु ऑस्पेक्ट करके उस चीज को कवर अप भी करता है। राहु यहां पे, अब आप देखोगे कि अगर राहु यहां पे प्रेजेंट है तो इंसान एक्सेप्शनली वेल्दी हो जाएगा, क्योंकि राहु लिमिटलेस एनर्जी है। ये स्मोकी प्लेनेट है, चीजों को एकदम से एक्सपेंड कर देता है और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी देता है, विजन को आपकी को क्लाउड कर देता है। ये चीजें हैं, मगर साथ में अकेला प्लेनेट है जो मेटीरियल गेन्स भी देता है और स्पिरिचुअल गेन्स भी देता है। तो ये एनर्जीज जब मून और वीनस के साथ मिलेंगी तो ये एनर्जीज, क्योंकि राहु का एक कैरेक्टर है, राहु जिस भी प्लेनेट के पास जाएगा उसके सिर के ऊपर बैठ जाएगा, तो ये दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब करके, दोनों तरफ से मून और वीनस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उन्हीं चीजों को और बढ़ा देगा। जो जो चीजें वीडियो के शुरू में मैंने कही थी, अगर राहु सेकंड हाउस में है तो वो सारी एनर्जीज इसी तरह बढ़ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्लेनेट, गणपति प्लेनेट, मैं तो इसको गणपति प्लेनेट ही कहता हूं, केतु देवता। केतु देवता दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लेनेट, स्पिरिचुअलिटी देते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी वाला प्लेनेट अगर ये प्रेजेंट हुआ सेकंड हाउस में तो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेलेफिशियंस को कम करेगा, अच्छाई को बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी को देगा। अब हम मतलब इसके बाद कोई प्लेनेट नहीं बचता। अब हम उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस सेकंड हाउस को अच्छे तरीके से डेसिफर करने में सक्षम हो गए होगे, समझ गए होगे कि सेकंड हाउस की मिस्ट्रीज को, एस्ट्रोलॉजिकल मिस्ट्रीज को अगर डिकोड करना है तो आप कैसे करोगे। तो दोस्तों यहीं पे मैं सेकंड हाउस के कैरेक्टर यानी के स्पीच यानी के अपनी वाणी को यहां पे मैं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको सेकंड हाउस समझ आ गया होगा, आप सक्षम हो गए होंगे इन चीजों को समझने में। धन्यवाद।